हमारे चैनल डेली व्लॉगर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो। हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डाइनिंग टेबल डेकोरेशन आइडियाज, जिसमें से कि मैं एक सिंपल बाउल को देखिए कैसे कन्वर्ट करती हूँ। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And we'll go. यहाँ पे मैं एक व्हाइट बॉल का यूज कर रही हूँ, कुछ फ्लावर्स का, और एक पहले वाले में मैं नैपकिन का और एक छोटे ट्रांसपेरेंट बॉल का यूज कर रही हूँ। तो हम सभी के यहाँ पे एक ना एक ऐसा बाउल जरूर रहता है जिसमें हम अपने फ्रूट्स रखते हैं या फिर कुछ जो चीज़ें होती हैं वो इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रखते हैं, बट वो कभी भी सही तरीके से थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज़ नहीं हो पाता। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ दो आइडियाज शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैं बताऊँगी आपको कि किस तरीके से आप बड़े से अपने कांच के बाउल को किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है कांच का बाउल ले रही हूँ, कुछ इस तरीके से दिखता है ये कांच का बाउल, ये देखिए। और इसको मैं थोड़े अलग तरीके से, यूनिक तरीके से डेकोरेट करके दिखाऊंगी। अगर आप फ्रूट्स रख रख के इसे बोर हो जाते हैं और ये स्पेयर पड़ा रहता है, यूज में नहीं आ पाता, फ्रूट्स आप कहीं और रख लेते हैं जैसे कि फ्रिज में या फ्रिज के ऊपर, तो ये देखिए। तो मैंने यहाँ पे एक नैपकिन लिया है वाइट कलर का, और अगर आपके पास नैपकिन नहीं है तो आप एक टॉवल भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में मैंने इसको इस तरीके से बिछा लिया है यहाँ पर, तो ये देखिए अब ये कुछ अलग सा लगने लग जाता है। यहाँ पे आप चाहें तो किसी भी तरीके से इसको फोल्ड कर सकते हैं, बट मेक श्योर बहुत ज्यादा छोटा फोल्ड ना करें और ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ा भी ना करें कि आपका जो बाउल है कांच का वो बिल्कुल ना दिखे। और मैं अब यहाँ पे एक छोटा सा बाउल ले रही हूँ, ध्यान रखिए आपको छोटा ही बाउल देना है, रखना है यहाँ पे, तभी आपके जो नैपकिन या टॉवल का जो लुक है वो अच्छे से दिखेगा। ये देखें बाउल भी यहाँ पे मैं काफी शाइनी वाला ले रही हूँ। और अब देखिए मैंने एकदम इसका जो लुक है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। मैंने यहाँ पे लिया है रॉयल ब्लू कलर का एक आर्टिफिशियल फ्लावर, तो ये देखिए इसे रखते ही यहाँ पे आपने भी देखा होगा बिल्कुल इसका जो लुक है एकदम से चेंज हो जाता है, क्योंकि जो ये रॉयल ब्लू कलर है इसके साथ व्हाइट का बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट बन रहा है। तो मेक श्योर आप जो भी नैपकिन यूज करें या जो भी आर्टिफिशियल फ्लावर यूज करें उसका आपस में कॉन्ट्रास्ट बनना चाहिए, और इससे ये जो ये वाला आप इसे अपनी डाइनिंग टेबल के सेंटर में जब रखते हैं तो इसका एकदम से लुक टेंटेड है, चेंज आता है। तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। तो ये देखिए कैसे मेरी डाइनिंग टेबल का लुक एकदम से चेंज हो गया है। यहाँ पर सिंपल से कपड़े वाले नैपकिन को रख के और आर्टिफिशियल फ्लावर को इस तरीके से रख के, तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया पे, जिसमें कि मैं वही सेम बाउल लूंगी अपना। और अब मैं यहाँ पे एक चीनी मिट्टी वाले बर्तन का बाउल यूज कर रही हूँ। तो मेक श्योर आपको इस वाले आइडिया में आप कोई से भी कलर का बाउल ले सकते हैं, लेकिन आपको इसमें ट्रांसपेरेंट बाउल नहीं लेना है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट से आप इसके ऊपर रखते हैं तो फिर वो सी थ्रू हो जाता है, फिर उसमें उतना अच्छा कॉन्ट्रास्ट नहीं आ पाता है। किसी भी कलर का आप बाउल यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए अब मैं आगे क्या करती हूँ, ये देखिए अब मैंने यहाँ पे ऐड करा है एक फ्लावर, आर्टिफिशियल फ्लावर। इसी तरीके से मैं बाकी अपने दोनों तीनों फ्लावर भी रख लूंगी। और अगर आपके पास रियल फ्लावर्स होते हैं वो भी आप रख सकते हैं, बट मेक श्योर वो फ्रेश हो, एंड आप उसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, फिर जब वो पानी में तैरेंगे तो और भी अच्छा लगता है देखने में। तो ये देखिए इसी तरीके से मैंने अपना दूसरा आर्टिफिशियल फ्लावर भी रख दिया है। तो ये देखिए ये भी कुछ यूनिक लगता है, और अगर आप कोई से भी कलर के आर्टिफिशियल फ्लावर यूज कर सकते हैं, कोई से भी कलर का बाउल यूज कर सकते हैं, तो इस तरीके से जब आप रखते हैं तो एकदम से लुक चेंज हो जाता है इसका।